हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अगले 47 और हमेशा की तरह एक बात पहले ही, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाद जो घंटी के निशान होता है जरूर दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए। फ्रेंड्स, जो गेम इसका नाम है फ्री फायर, और देखिए यहाँ पे मेरा नाम है इसका 847, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि भाई आपकी आईडी क्या है। और मैं इसका सेकेंड पार्ट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसके ज़्यादा फिर आए थे मुझे कमेंट्स के भाई आप इसका सेकेंड पार्ट बनाइए, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं इससे ज़्यादा कंटिन्यू, इससे ज़्यादा आगे मैं खेलते रहने वाली नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि आईडी बताइए वगैरह वगैरह, तो सिर्फ मुझे इतने एक्शंस के आते नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा इनको मोबाइल में रखती नहीं हूँ, मैं डिलीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइक वगैरह ऑन होंगे इसमें, हाँ देखते हैं। देखिए मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथी, हम स्क्वाड में खेलेंगे तो यहाँ पे जो अपने साथी होते हैं अक्सर बेशतर उन लोग पकाते रहते हैं ना कि वो आपस में कुछ गालियाँ वगैरह देते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। पबजी वगैरह खेलते हो, मैंने बहुत बार देखा है कि वो लोग बहुत बस सिर्फ गालियाँ देते हैं, आपस में गालियाँ देंगे या फिर वो जो कोई भी आएगा सामने उसको गालियाँ देते बैठेंगे, तो उनके मुँह से सलाम दुआ निकलने की जगह गालियाँ बहुत निकलती है, तो हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। तो हम उनका नहीं सुनते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम सीधे सीधे जाएंगे और अब स्क्वाड में खेलेंगे साथियों के साथ में, देखते हैं कितना बेहतर होता है क्योंकि पहले हमने सोलो में खेला था, फिर अभी देखते हैं कि स्क्वाड में खेलने से क्या होता है। और फिर से मैं बताना चाहती हूँ कि भाई हम यहाँ पे खेल रहे हो, कोई ये हमें यहाँ पे जजमेंट देते ना बैठे, जज ना करे, यानी कि इस गेम को जज ना करे कि भाई इसे ऐसे खेलना चाहिए, अगर आपको ठीक से खेलने नहीं आता तो मत खेलो वगैरह वगैरह। ये सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं खेलूँ, तो उनके लिए है, कोई जज करने बैठने वाला है तो उनके लिए नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए हम जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए कैसे बैठे हुए हैं, तो ये हमारे साथी, उनके सर में शायद आग लगी हुई है, देखिए उनके सर कैसा है, उसका सर और बाकी वाला वो बाजू में उसको क्या हो रहा है पता नहीं, कैसे उड़ रहा है, हो सकता है कोई, क्योंकि मेरा ज़्यादातर ऐसे जो ऑनलाइन गेम होते हैं वो ज़्यादातर अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होते, लेकिन पिछले वाला रिकॉर्ड हो गया था, शायद ये हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे घर वर है, वहाँ पे हम लोग सब जा रहे हैं, हमारे साथी है यहाँ पे, और कोई एक साथी शायद बोल रहा है लेकिन मैंने म्यूट किया है तो मुझे नहीं सुनाई देगा। ये देखिए यहाँ पे मुझे मिल गया ये सब, और देखिए मैंने इसके थोड़े से कपड़े वगैरह भी ठीक कर दिए, पिछले टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो अब हमें हम लोग ढूंढेंगे जहाँ भी कहीं भी मिलेंगे हम ढापेंगे। बहुत लोगों ने मुझे बताया था कमेंट करके भाई ऐसी ऐसी गन्स होती है बहुत ही अच्छी होती वगैरह वगैरह, अभी मुझे उतना ध्यान नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन वैसे भी मिले तो कोई घुस रहे भाई घुस ना तू, अभी घुस गए यहाँ पर हम लोग, और देखिए जो भी मिलता है फिर फिलहाल उठा देंगे। हमारे दोस्त है, ज़्यादातर ऐसा लोग होता है अपने भी साथी होते हैं ना, वो खुद अपना ही देखेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे अपने साथी के पास ये नहीं तो उसको लिए छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो तो अपना ही सब तो जमा करते रहेंगे, जैसे कि कोई अपना साथी नहीं, अगर आप रैंडम पीपल के साथ खेलेंगे तो ऐसे ही करते हैं ज़्यादातर, अगर वो लोग आपस में दोस्त हो तो ऐसे नहीं सोचेंगे कि भाई आपका टीममेट है उसको कुछ दिला देते, तो नहीं भाई, कभी कभी बिना बंदूक के भी घूमते रहते, जैसे मैंने पबजी में ज़्यादा देखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी वगैरह है, फिलहाल हमारे पास जो बंदूकें हैं उसको हम संभाल के रखेंगे, और ये देखिए हम इसे कूद सकते हैं, और बंदूक वैसे भी हाथ से छोड़कर भागा जा सकता है, मुझे किसी ने बोला था कि आप बंदूक हाथ में नहीं रहेगी तब ज़्यादा जल्दी तेज़ भाग सकते, लेकिन मुझे पता है। और यहाँ पे देखते कोई आसपास हो सकता है, और हमारे साथी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं अपना, वो लोग भी कहीं ना कहीं ढाप रहे होंगे, और वैसे भी फ्रेंड्स जब नया नया खेलते थे कोई तो ओहो फ्रेंड्स वो बॉट होगा क्योंकि वो एक ही जगह पे खड़ा था। तो यहाँ पे देखिए जो लोग नए नए खेलते हैं उनको ज़्यादातर बॉट्स वगैरह मिलते हैं, देखो इसके बाल मैंने ठीक देखा, तो कोई देखो तो सामने सामने येड़ा सामने मार दे, तू मार दे, तूने भी मारना चाहिए, उसने उसे पांगा कर दिया, मारो मारो मारो, बस इतना इसको कितनी इसके अंदर जान है। तो देखिए यहाँ पे लेकिन एक किल शायद जो ज़ख्मी करता है अगर वो उसे नहीं मारता है और हम मारते तो हमारे लिए वो किल जमा हो जाता है शायद, चलो कूदते रहो, बोलेगा मेरा किल तूने चुरा लिया, भाई ऐसे ही बोलते हैं पबजी में तो ऐसे बोलते हैं मेरा किल चुरा लिया मेरा किल चुरा लिया, भाई क्या करना है किल विल चुरा कर, भाई साथ ही लोग हैं ना क्या फ़र्क पड़ता है। चलो यहाँ पे हम और भी कुछ देखेंगे, मेरे ख्याल से वो बॉट था क्योंकि एक ही जगह पे था, और मैं यही बोल रही जब आप नए नए खेलते हो तो आपके टीम में ज़्यादातर जो सामने लोग आते हैं वो ज़्यादातर बॉट्स होते हैं, नूब भी हो सकते हैं, देखो पिछले टाइम में मैं इसको देख रही थी, वो देखो फ्री फायर का गुब्बारा, देखो कोई गाड़ी के अंदर बैठा है शायद, इस गुब्बारे को क्या करे, क्यों है ये गुब्बारा, इसको फोड़ सकते हैं, देखो वो लोग गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, मुझे नहीं लगता लेकिन गाड़ी से हमें कहीं अब भी जाने की ज़रूरत है। देखो कोई है ऊपर, कुछ है क्या वो, या ऐसी मेरी आंखों का वहम है, फिलहाल अगर कोई होता तो वैसे भी गोली चलाता, देखते ही लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाई ये दोनों भी जिनके बाल जल रहे हैं ये उसके अंदर से आड़े तिरछे बैठे हो, इसके अंदर घुस जाओ, मुझे नहीं लगता कि लेकिन इस गाड़ी के अंदर अभी बैठना ज़रूरी है, खामखा बैठ के उधर लोग बैठे हुए वो हम शक्ल लोग हैं, यहीं पे ज़्यादा चीज़ें हैं वो देख लो ना भाई,
इसके उसके पास पेट है क्या? हमारे पास इस गेम में पेट भी होता है? आई डोंट नो, मुझे लगता है दुख 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 सामने सामने मारो उसको भाई, वो बॉट की तरह खड़ा है, उसको मारो, थोड़ा सा भाग भी रहा है शायद, हो सकता है बॉट हो या फिर हमारी तरह ही नया कोई हो। मारो 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 मारो, येड़ा वैसे भी पांगा पड़ गया है यहाँ पे, लेकिन वो मेरा किल नहीं है। चलो क्या करने का, किल विल छोड़ो फिलहाल, है ये टीम जो भी है, मुझे नहीं पता टीम कैसी है, क्योंकि देखो 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 वो भाग रहा है, वो बॉट नहीं है, वो हमारी तरह नया हो सकता है। नया यानी कि आप लोगों की लैंग्वेज में या फिर जो महारती लोग होते हैं इस गेम में, वो नूब कहते हैं, नूब, उन्हें बहुत खुशी होती है सामने वालों को ये कहने के लिए, तो या तो वो नूब होगा। तो हम उसका पीछा करेंगे, कहाँ गया वो, देखो नीचे चला गया, उसको देखते हैं कहाँ पे है। उल्टा भागने से अच्छा तो कहीं छुप जा, और सामने वाले को मारने की वजह से भाग रहा है क्योंकि नया है, डर रहा है क्योंकि वो नूब है शायद। अरे बाबा ज़्यादा भागने की ज़रूरत है, वो दो दो लोग हैं भाई, उसकी टीम है यार, अभी आ रहा है वो बराबर। उसने मेरी बात एकदम इससे ले ली, उसने दिल पे ले ली कि भाई भागना नहीं चाहिए मारना चाहिए, उसका साथी कहाँ गया वो देखो। चलो इससे पहले जमा कर दे उसको, वो वैसे भी भाग रहा है येड़ा। अरे तो अपने साथी के पीछे पीछे आता, हो सकता था मुझे मार दे, पागल है ना वो। तो देखिए यहाँ पे दो लोगों को हमने मार दिया है, यहाँ वहाँ उसके कहीं साथी हो सकते हैं, चार लोगों के है ना यार, चार लोगों की टीम है, दो लोग ही घूम रहे थे यहाँ पे, पता नहीं। तो फ्रेंड्स मैं यही बोल रही हूँ कि हम लोग में से नए लोग हो सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनल की ज़बान में नूब लोग मेरे साथ जो होंगे वो भी तो नूब ही होंगे, यानी कि मैं नूब हूँ तो वो भी नूब ही होंगे, और मैं जिसे मारूंगी, हमारे टीममेट्स जिसे मारेंगे वो सारे नूब और बॉट होंगे, और जो लोग हमें मार देंगे वो प्रो होंगे। तो पहले ही मैं ये क्लियर कर देती हूँ, तो फिर ज़्यादा किसी को जहमत नहीं होगी। देखो 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 भाई वो पांगा पड़ा हुआ था वहाँ पे, अच्छा वो तो नहीं को, ये देखो ओफो ओफो, देखते भाई इसके पास क्या है भाई, उसने उसका ढाप लिया होगा, अभी कहीं पे कोई ना कोई होगा, देखो वहाँ पे शायद साथी उनके कहीं ना कहीं। भी बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, शुरू में ज़्यादा लोग होते हैं ना यार। वैसे भी 27 इसका पेट है यार, ये पेट है वाकई में, मुझे कोई बताओ अपने साथ हम पेट रख सकते हैं क्या? चलो ढाप लो, जो भी इसके अंदर कुछ होगा तो ढापेंगे ना यार, उसके अकेले के पास पेट है वो, कैसे भाग रही, पेट का काम भी क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे कुछ तो खून पड़ा हुआ, नहीं 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 ये तो कोई निशानी हो, ऐसे हमारे साथी वैसे कम नहीं हो भी, किसी ने किसी को मार रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, जो हमारे साथी वो हमारी तरह होंगे, यानी कि ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे, वो जिनको मारेंगे या फिर हम जिनको मारेंगे वो सारे के सारे बॉट और नूब होंगे, क्योंकि हम लोग तो प्रो को मार नहीं सकते है ना, इसलिए। और जो हम लोग को मारेंगे वो प्रो होंगे। ओके तो यहाँ पे भी तलवार तो नहीं मिली, ये बेस बैट मिली, उससे जाकर किसी सर पे मार देते हैं, अपने साथियों को मार सकते हैं जाके, क्योंकि पबजी में हम अपने साथियों को मार सकते हैं बॉम्ब से, कहीं ना कहीं पे गोलियों की आवाज़ है। देखे 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 भाई सामने तो खड़ा रहेगा एड़ी की तरह, अब क्यों नहीं खड़ा रहेगा एड़ी की तरह, क्यों? क्योंकि वो बॉट या फिर नूब है। और देखो गाड़ी लेके आया, ये तुम लोग सिर्फ वो सब ढापो मत यार, मुझे जाके देखने दो पहले क्या है, ये गाड़ी वाला मेरे ऊपर चढ़ाएगा क्या पागल? उसको वो कह रहा होगा कि उसके अंदर बैठ जा, जो ऐसे भी गाड़ी चलाने का शौक नहीं, मुझे आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, तू ही बैठ जाना भाई, तुम दोनों ट्विंस हो जाके बैठ जाओ और अच्छे से चले जाओ। चलो वैसे भी उसके अंदर तीसरा आदमी तो बैठ नहीं सकता। हाँ अवेर अवेर, वैसे भी यहाँ से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, क्यों देखो 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 सामने सामने येड़ा सामने खड़ा है, यानी कि वो बॉट है, बॉट लोगों को मारो और अपना ये बढ़ाते जाओ, क्या बोलते हैं यार, किल्स बढ़ाते जाओ। ओके तो यहाँ पे देखो, और अरे एक मिनट क्या क्या है भाई, एक बंदूक अच्छी है, ये एक है हमारे पास, और ये है बेस बैट, जाके किसी के सर पे मारते हैं, लेकिन ऐसा कोई मिलता ही नहीं जिसको जाके हम मारे, वो तलवार थी ना पिछले टाइम वो भाई, ये देखो 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 मेरे पास एक ये है, अच्छा अच्छा इसके सर पे मारो तो कितना अच्छा है ना, हम लोग वहीं के वहीं गोल घूम रहे हैं। अभी तेरा वो कहाँ गया, जुड़वा भाई कहाँ गया, एड़े इसके ऊपर, चलो अब किधर तो लेके जा, चल उसकी आँख से मेरा हेलमेट जल जाएगा। ओ उसने आगे से छोड़ दिया, पीछे वाला ऐसी गाड़ी चलाएगा क्या? देखो यहाँ पे देखो सामने भाई, वो रेंज में नहीं आ रहा है, भाग रहा है सामने के सामने से मारते, देखते कामयाबी मिलती है क्या। अभी येड़ा इतना दूर है, उसको जाके बाजू में से मारेंगे, क्या पता जाके तू मार, यहाँ पे कोई है शायद, यहाँ पे भी कोई है शायद वाकई, या फिर मुझे नज़र आ रहा है ऐसे कुछ, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है, उन लोग जाके उसको मारते है क्या, मारे क्या भाई, ये हमेशा क्यों घूमते रहता है यहाँ पे, हमारे ऊपर नज़र रखे रहता है।
जाके इससे मारे किसी के सर पे, बहुत ज़्यादा इच्छा है मेरी जाके मैं किसी के सर पे जाके मारूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एंड में ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग छुपे छुपे ही लोगों को मारते हैं, तो सामने सामने तो कोई नहीं मारता है। चलो कुछ ना कुछ अपने को ऐसा, मतलब सामने से कोई, यार किधर से, ओहो इधर से किधर से, ओ देखो 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 भाई, भाई कहाँ पे, वहाँ पे कोई नहीं, लेकिन सामने से कहीं पे, वो देखो देखो एकदम सामने खड़ा कोई रहता है कहीं येड़ी की तरह, क्यों नहीं खड़ा रहेगा भाई? तू बॉट है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ बॉट को मार सकते हैं, नूप को मार सकते हैं, इसलिए तू येड़ा है। यहाँ पे ये बॉट मर गया, ये मैंने क्या किया, बॉट मर चुका है यहाँ पे, 4 kills। इसका पैट बहुत अच्छा है भाई, लेके घूमता है भाई, किसी कोई मदद भी करता है क्या? कोई मुझे बताए पैट्स हमारी मदद करते हैं क्या, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। चलो यार थोड़ा सा हमें लगा हुआ है तो हम थोड़ा अपने को ये कर लेते हैं, हमारे एक साथी को लगा हुआ है लेकिन अपने को हील नहीं ज़्यादा कर रहा है, जो कि बोल रहा है माइक में, वो हमारा लीडर हो सकता है लेकिन मुझे उसका सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग ब्लास्ट करें तो, हम लोग भी करें तो, चलो यार ये एक बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स कि हमारे इसमें से कोई मरा नहीं है अब तक, ऐसा कुछ यही नहीं हुआ है कि हम लोग को बहुत ज़्यादा जहमत करनी पड़ रही है। देखिए 10 लोग, यानी अगर हम लोग 4 लोग यहाँ पे, 6 लोग हमारे पास हमारे दुश्मन है, उसमें से हो सकता है टीम्स में से अगर कोई हो तो क्या बोले, ढैन 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 ढैन, मत किसी की खैर नहीं, मिल गई है मुझे तलवार, जाके मैं सब वो भी ख़त्म कर दूंगा, ब्रूटल किल्स ढैन ढैन। ऐसे नहीं हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि इतने करीब कोई अभी नहीं मिलने वाला, जो एंड में लोग बचते हो छुप छुप के खेलते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथी भी किसी न किसी को मार रहे हैं, हम यहाँ पे उड़े जा रहे हैं। भाई मेरे को जब से ना 2 लोग ही नज़र आए, ऐसे 3-3 लोग नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पे भाग रहे हैं। सब लोग एक जैसे दिखेंगे तो पता कैसे चलेगा आगे कौन कहाँ पे है, वैसे उनके नाम तो है लेकिन इतने नज़र नहीं आते बेचारे। वो लोग वहाँ पे भाग रहे हैं, उनको ही फॉलो करते हैं, अगर टीम में हो तो साथ में रहो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे हो सकता है हम लोग एकदम ओपन में भाग रहे हैं, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स जो लोग प्रो होते हैं ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, ऐसे घास फूस में लेटे हुए रहते हैं, स्काईलॉट कहते हैं उन्हें, सांप सांप बने हुए लोग, उन लोग इजीली लोगों को मार देते हैं, कहीं पे लगा के बैठते हैं अपना निशाना और लोगों को मार देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नूब लोग होते हैं वो लोग बहुत ही डेयरिंग बाज होते हैं, ओपन में लोगों को जाके सामने सामने मारते हैं, और जो प्रो लोग होते हैं, वैसे भी वो बॉट है क्योंकि ऐसे ही खड़ा है एड़े की तरह, जो प्रो लोग होते हैं वो पीठ पीछे वार करते हैं, जाके कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं और फिर पीठ पीछे वार करते हैं, सामने से आने की उनको हिम्मत नहीं होती। आप लोग अब हंसोगे लेकिन ये इस गेम का ये एक तरह से सही बात नहीं है, ये तो मैं मजाक के लिए बोल रही हूँ, ज़्यादातर छुप के ही खेलना चाहिए क्योंकि एंड में आप सामने सामने जाके कैसे मारोगे यार, छुप छुप के खेलना चाहिए बाद में एंड में तो। और हम लोग यहाँ पे एकदम सामने सामने खड़े हुए हैं, देखिए ये 2 ट्वींस है और एक वो येड़ा है वहाँ पे, वो वही है उसको अब मिला जाके हील कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 7 7, तो आप क्या करोगे? सब हो सकता है सामने एक टीम हो और हम लोग अभी 4 जन बचे हुए हैं, लेकिन अब तक जो हमें मिल रहे हो बॉट की तरह है सारे, इतने कोई खास नहीं है, लेकिन अभी जो हमें अगर कोई अगर मार दे तो वो प्रो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लेटे हुए होंगे, क्योंकि प्रो लोग सांप बने हुए होते हैं, वो छुप छुप के मारते हैं, और हम लोग डेयरिंग बाज बन के यहाँ पे भले ही खड़े हैं लेकिन ये बेवकूफ़ी, लेकिन कर क्या सकते हैं, हमारी सारी टीम यहाँ पे है और ज़रूर कहीं ना कहीं सांप बने हुए प्रो लोग बैठे होंगे जो कि हमें देख रहे होंगे और हमारा काम तमाम कर देंगे। हाँ हमारे पास सामान अच्छा है, देखिए गोलियों की आवाज़, ओ भाई मर गई, ये देखो सारी टीम तो यहीं पे आ गई खास मरने के लिए। देखिए वहाँ पे कभी कभी ये लोग इस जगह पे भी होते हैं, इस जगह पे भी लोग रहते हैं, छुपे रहते हैं उस जगह पे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारे तो एक साथी का काम तमाम हो गया है, हमें यहाँ पे छुप के करना पड़ेगा काम, लेकिन फ्रेंड्स ये जगह ठीक नहीं है, बहुत ही ओपन है, कहीं पे भी कोई सांप बना हो सकता है जो कि स्नाइपर से मार सकता है। और देखिए यहाँ पे शायद 2 जन की टीम सामने हो और हम लोग यहाँ पे 3 हैं, हमारा काम कभी भी तमाम हो सकता है अगर वो कहीं पे छुपे हुए होंगे तो। अभी अपने देखा उसके पीछे छुपे, देखा हमारे एक साथी, ओहो भाई उसको मेडिक की ज़रूरत है क्या, उसे देना चाहिए कहीं भी। हम फ्रेंड्स ये ओपन में उमर चुका है, हमारा काम कभी भी तमाम हो सकता है, क्योंकि जो भी जहाँ से मार रहा है वो चुपके मार रहा है और वो अपने इसमें कामयाब हो रहा है, यहाँ पे काम तमाम होने वाला है। देखिए मैंने कहा मुझे कोई बचाने वाला है नहीं, अगर वो मुझे बचाता है तो वो भी मर जाएगा, उसे जाना चाहिए चुप। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना जो भी प्रो होगा, ये हमारा साथी है, मैंने कहा था ना प्रो लोग छुप छुप के सांप बन के लोगों को मारते हैं, तो ये जिसने भी मारा है वो 2 जन होंगे,
जिसने में से एक कहीं पे छुपा होगा, एक कहीं और जगह पे छुपा होगा, तो कोई भी मारोगा तो हमारा एक साथी है और इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जगह इतनी ठीक नहीं है। वो जहाँ से मारे बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ से भी वो मार रहे हो बहुत ही अच्छी जगह है। और वो दो लोग हैं, एक का काम नहीं है, दो लोग हैं और वो दोनों की टीम है, यानी अगर ये मर जाए तो वो लोग जीत जाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि प्रो लोग होते हैं, सांप बने हुए होते हैं और फिर उनके लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। देखिए उसको सामने नज़र आ रहा है लेकिन उसे यहाँ से नहीं मार सकता है, और वो दो लोग हैं, अगर एक के पीछे भी जाए तो दूसरा उसे मार देगा। और ये हमेशा प्रो लोग यही करते हैं कि वो सांप बने हुए होते हैं। चलो स्नाइपर बहुत ही अच्छे काम करती है हमेशा, ये उसे मार भी देगा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका साथी इसे मार देगा क्योंकि ये अकेला है। अरे कहाँ पे यार, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा, छुप छुप के खेलेगा। जो अब तक मिल रहे थे वो बॉट की तरह सामने खड़े थे और ये छुप के खेल रहे, यानी कि ये प्रो है। प्रो लोग हमेशा छुप के खेलते हैं, वो हमेशा हमें देखते रहते हैं, हम लोग ही उन्हें नहीं देख पाते हैं। भाई ये जोन आ गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, यही यहाँ पर बात आप समझ में आ रही, जो जोन में फंस जाता है वो बीच में ऐसे ही है, बीच में उसे ओपन में भागना ही पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी गलती है क्योंकि वो दो लोग तो उसे कहीं से भी देख रहे होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही होता है, अगर किसी को जीतना होता तो ऐसे भी जीते, वरना ऐसे भी होता है। पिछले टाइम भी जोन की वजह से हमारा काम तमाम हो गया था। देखिए दो लोग आपको दिख रहे, दो लोगों, दोनों की टीम है, अगर एक को मारता तो दूसरा उसे कैसे भी मार देगा। देखिए देखिए, देखा आपने, तो इस तरह से गेम होता है फ्रेंड्स। मैंने कहा था ये लोग जीत गए क्योंकि ऐसे ही जीते प्रो लोग। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और गेम प्ले में। तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।